गुड मॉर्निंग बच्चों, बच्चों सब ठीक हैं? हाँ बच्चों सब ठीक हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, घर पे सुरक्षित हैं? बच्चों सब ठीक है, घर पे अच्छे से हैं, सुरक्षित हैं? और बड़ों का कहना मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? मान रहे होंगे। हाँ, आप पूरे दिन क्या करते हो, मस्ती करते हो या पढ़ाई भी करते हो? बच्चों पढ़ाई के साथ साथ जो है लर्न भी करना है, लिखने के साथ याद भी करना है, ठीक है बच्चों? तो देखो मैंने आपको 6 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। कितने 6? कितने? 6 चैप्टर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, प्रातःकाल का भ्रमण। प्रातःकाल का भ्रमण, प्रातःकाल के भ्रमण से कितने फायदे हैं बच्चों, आपको क्या बताएं, ठीक है? तो इसलिए हमें प्रातःकाल का भ्रमण करना चाहिए। वैसे भी सब मना कर रखा था कोरोना की वजह से, लेकिन जब चालू रहता है तब हमें सुबह सुबह भ्रमण यानी घूमना चाहिए, ताकि जो हमारा मन जो है वो स्वस्थ रहे, ठीक है बच्चों? मनुष्य के शरीर का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, बीमार रहेंगे, तो कोई काम नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा हमको, है ना? ना खाना, ना पीना, ना घूमना, ना खेलना, हर प्रकार से हम सुस्त रहेंगे। इसलिए जो है हमारे शरीर को स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? भ्रमण करना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। क्योंकि अगर हम बीमार रहेंगे तो हमारा दिमाग भी काम नहीं करेगा, है ना? बीमारी के बारे में कि ये दर्द हो रहा, वो दर्द हो रहा, इसलिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जो बच्चा या जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है उसके काम भी अच्छे से होते जाते हैं, लेकिन जो स्वस्थ नहीं रहता, चाहे वो छोटा हो बड़ा, उससे कोई भी काम नहीं होता है, उसका मस्तिष्क कोई काम नहीं करता है अच्छे से। तो बच्चों सबसे पहले स्वस्थ शरीर के लिए हमें व्यायाम की आवश्यकता होती है। हम जो है पूरे दिन जो है काम करते रहते हैं, पर हमें व्यायाम भी करना चाहिए। इधर उधर सोते रहते हैं, आलसी नहीं बनना चाहिए। और जब हम व्यायाम करेंगे तो हमारे शरीर में स्फूर्ति आती है, ताजगी आती है। क्या आती है बच्चों? ताजगी। तो हमें स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है। और व्यायाम किस समय करना चाहिए? प्रातःकाल। सबसे अच्छा व्यायाम जो होता है वो प्रातःकाल का भ्रमण होता है। तो प्रातःकाल का भ्रमण जो होता है, प्रातःकाल का जो व्यायाम होता है, वह सरल व आसान होता है। क्या होता है बच्चों? सरल व आसान होता है। इससे शरीर में क्या आती है? स्फूर्ति आती है। मन क्या होता है? स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है, और मस्तिष्क भी शांत रहता है। जो प्रातःकाल का भ्रमण करते हैं, तो प्रातःकाल का भ्रमण यह एक सरल व आसान साधन है। इससे शरीर में स्फूर्ति आती है, हमारा मन प्रसन्न होता है, और शरीर में क्या आती है? ताजगी आती है, हमारा मस्तिष्क भी शांत रहता है। सुबह सुबह हम जब रात को सोते हैं तो हम बिल्कुल सुबह फ्रेश होते हैं, बिल्कुल शांत मन होता है हमारा। और भ्रमण करने जाते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, और हमारा मन जो है प्रसन्न रहता है, हमारा मस्तिष्क शांत होता है और अच्छे से कार्य करता है। तो सबसे पहले हमें भ्रमण कब करना चाहिए? प्रातःकाल। प्रातःकाल का भ्रमण करने से हमें बहुत सारे बच्चों लाभ होते हैं। प्रातःकाल के भ्रमण करने से हमें स्वच्छ वायु, सुबह सुबह कैसी वायु मिलती है? स्वच्छ वायु। प्रातःकाल के भ्रमण से हमें स्वच्छ वायु जो है प्राप्त होती है, हमारा शरीर जो है दिन भर चुस्त रहता है। हम सुबह सुबह अगर भ्रमण करते हैं, व्यायाम करके आते हैं, तो जो है वो व्यायाम करने से हमारा शरीर जो है दिन भर चुस्त रहता है। भ्रमण का सही आनंद करने के लिए हमें सुबह के समय जल्दी उठ जाना चाहिए। अगर हम भ्रमण करें तो भ्रमण का हमको आनंद कम मिलेगा। ऐसे नहीं कि हम जो दिन में जा रहे हैं 12 बजे, नहीं, हमें प्रातःकाल का भ्रमण से हमें तभी फायदा मिलेगा, हम सुबह सुबह जल्दी उठकर भ्रमण करने जाएं। क्योंकि प्रातःकाल सुबह सुबह जो होती है स्वच्छ और ताजगी भरी हवा होती है। तो बच्चों प्रातःकाल उठने से यानी भ्रमण का सही आनंद प्राप्त करने के लिए सुबह के समय जल्दी उठना चाहिए। प्रातःकाल उठने के बाद मुंह आदि धोकर और खुले वातावरण में निकल जाना चाहिए। और जहाँ भ्रमण के लिए बाग बगीचे बच्चों बहुत अत्यंत उपयुक्त होते हैं। जहाँ बाग बगीचे होते हैं, हरी हरी घास होती है,
बच्चों नंगे पैर अगर हम हरी घास में घूमते हैं तो हमारे आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। तो हमें जो जहाँ हरी घास हो, जहाँ पेड़ पौधे हो, बाग बगीचे हो, वहाँ पर हमें घूमना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। ठीक है बच्चों, भ्रमण करने से मनुष्य को आनंद मिलता है। क्या मिलता है? आनंद मिलता है। भ्रमण करने से मनुष्य को आनंद मिलता है, आत्मा प्रसन्न रहती है तथा इसका पूर्ण विकास होता है। प्रातःकाल के भ्रमण से मनुष्य को आनंद मिलता है बच्चों, आत्मा प्रसन्न रहती है, उसका पूर्ण विकास होता है ना। और चेहरा कैसा हो जाता है? प्रसन्न व तेजस्वी हो जाता है, चमक आ जाती है चेहरे पर, है ना। और जब प्रातःकाल के भ्रमण से शुद्ध हवा हमारे श्वास नलिका से होती हुई फेफड़ों में पहुंचकर हमारे रक्त संचार को ठीक करती है, हमारे खून का जो है दौड़ उठती है उसको सही करती है। तो इसलिए सबसे पहले हमें कैसा भ्रमण करना चाहिए? प्रातःकाल का। इससे हमारे शरीर में ताजगी और सही प्रभाव होता है। इस समय शुद्ध हवा, प्रातःकाल की हवा कैसी होती है बच्चों? शुद्ध, ताजगी भरी। तो प्रातःकाल की जो शुद्ध हवा हमारे श्वास नलिका से होती हुई फेफड़ों में पहुंचकर हमारे रक्त संचार को क्या करती है बच्चों? सही करती है। ठीक है, इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं कि प्रातःकाल का भ्रमण करो। आपको पता है कि नंगे पैर जो है, नंगे पैर ओस की बूंदों पर चलने से, नंगे पैर सुबह सुबह ओस की बूंदों पर उस पर चलने से हमारी आँखों की रोशनी बढ़ती है। इससे हमारे मन में स्वस्थ और स्वस्थ भाव जागते हैं, अच्छी अच्छी बातें आती है। बच्चों कहते हैं कि रोगी जो होता है, जो बीमार व्यक्ति होता है, उसको प्रातःकाल भ्रमण करना चाहिए। इससे वो स्वस्थ रहता है, उसका मन और शरीर ताजगी से बढ़ जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। तो इसलिए रोगी को भी, डॉक्टर भी कहते हैं रोगी व्यक्ति के लिए कि प्रातःकाल का भ्रमण करना आवश्यक है। उसी प्रकार बच्चों रोगी के साथ साथ सबसे पहले विद्यार्थियों का, विद्यार्थी हम जीवन में जो हमारे जीवन में अगर हम जो है बीमार रहेंगे, आलसी रहेंगे, तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे? हमारा मस्तिष्क स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम पढ़ाई नहीं कर सके। इसलिए विद्यार्थियों के लिए भी बच्चों, विद्यार्थियों के लिए प्रातःकाल का भ्रमण बहुत उपयोगी है, विशेष उपयोगी है। भ्रमण करने से उनका मस्तिष्क हल्का व ताज़ा हो जाता है। मस्तिष्क हल्का होगा तो हमसे पढ़ाई अच्छी होगी, हम फ्रेश महसूस करेंगे अपने आप को, है ना बच्चों। तो इसलिए भ्रमण करते समय हमें जो प्रातःकाल ही करना चाहिए। और बच्चों इसके अलावा मनुष्य को निश्चिंत होकर भ्रमण करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम चल रहे हैं पार्क में और सुबह सुबह प्रातःकाल भ्रमण करके और दिमाग में क्या भरते जा रहे हैं, चिंताएं, बातों को लेके लड़ाई झगड़े की बातें कर रहे हैं। नहीं, हमें प्रातःकाल जो हम भ्रमण करते हैं निश्चिंत होकर भ्रमण करना चाहिए। मन में कुछ जो ऐसे नहीं कि चल रहे हैं और आपस में लड़ाई लड़ते चल रहे हैं या लोगों की बुराइयां करते चल रहे हैं, नहीं, तब मन स्वस्थ नहीं रहेगा। हमारा मन बच्चों तभी स्वस्थ रहेगा कि भ्रमण करते समय हम शांत भाव से भ्रमण करेंगे, निश्चिंत होकर भ्रमण करेंगे। और भ्रमण करते समय मुँह को बंद रखना चाहिए तथा लंबी सांस लेनी चाहिए। भ्रमण करते समय मुंह को बंद रखना चाहिए, लंबी सांस लेनी चाहिए, निश्चिंत होकर शांत मन से भ्रमण करना चाहिए, फालतू की बातें उस वक्त नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए जो है, उसी के अलावा अगर व्यक्ति, आपको पता है कि आज हम जो है छोटे छोटे बच्चे जो है उनको सांस की बीमारी हो जाती है और बच्चों को दिखाई नहीं देता है, वो किस कारण? क्योंकि जो है हम लोगों को शुद्ध वायु नहीं मिलती, नहीं मिलती ना। पहले समय में लोग 100-120 साल के जीते थे और अब जो है व्यक्ति बहुत कम उम्र में ही जो है देहांत हो जाता है उनका। व्यक्तियों को कई बीमारियां लग जाती है, आंखों की बीमारी, है ना, सांस की बीमारी। आज आप बच्चे छूटते हो, आपको हम कहें कि अभी बच्चे जल्दी से फटाफट सीढ़ियों से चढ़ के जाओ, तो आप जैसे सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो सांस भर जाती है आपकी। ये इसलिए, ये क्योंकि हमारे शरीर में स्वस्थ वायु नहीं जाती, ताजगी भरी वायु हवा नहीं जाती है, हमारे शरीर में अशुद्ध वायु है, हमको कई बीमारियां हो जाती है, इसलिए हमें ये सब होता है। तो यदि हमको 100 वर्ष का स्वस्थ और प्रसन्न जीवन चाहते हैं, स्वस्थ व प्रसन्न जीवन चाहते हैं, 100 वर्ष का जीवन चाहते हैं, तो जीवन में कभी औषधि का उपयोग नहीं करना चाहते, तो हमें प्रातःकाल का भ्रमण करना आवश्यक है। तो हमें कैसा भ्रमण करना चाहिए? प्रातःकाल। तो प्रातःकाल के भ्रमण करने से हम अच्छी आयु जो है प्राप्त करेंगे और स्वस्थ रहेंगे और हमें कभी भी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। प्रातःकाल का भ्रमण अवश्य करना चाहिए। चिकित्सकों ने प्रातःकाल के भ्रमण पर विशेष बल दिया है, हमें नियमित रूप से प्रातःकाल के समय भ्रमण पर जाना चाहिए।
तो मैंने आपको क्या बताया कि प्रातःकाल के भ्रमण करने से कितने सारे लाभ हुए, हमारा मन जो है प्रसन्न रहता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारे शरीर ताजगी से भरा होता है। विद्यार्थियों को प्रातःकाल का भ्रमण करने से जो है इनका मस्तिष्क हल्का व ताजा हो जाता है। रोगी व्यक्ति प्रातःकाल का भ्रमण करते हैं तो वो अपने मन को जो है अच्छा समझते हैं, ताजगी आती है उनके शरीर में और वह जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। लंबी उम्र अगर हम चाहते हैं तो हमें प्रातःकाल का भ्रमण करना चाहिए। प्रातःकाल के भ्रमण करने से क्या होता है बच्चे, मनुष्य को आनंद मिलता है, आत्मा भी प्रसन्न रहती है और उसका पूर्ण विकास होता है। और चेहरा व प्रातःकाल के भ्रमण करने से हमारे हमको बच्चों दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा चेहरा स्वस्थ ताजगी से भरा होता है और तेजस्वी हो जाता है। प्रातःकाल के भ्रमण से बच्चों शुद्ध हवा मिलती है ना, शुद्ध हवा हमारे श्वास निकास होती हुई हमारे फेफड़ों में पहुंचकर हमारे रक्त संचार को क्या करती है, सही करती है। अगर हमारे शरीर में रक्त सही होगा, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा मन प्रसन्न होगा तो हमें किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम लंबी उम्र को प्राप्त करेंगे, पढ़ाई भी अच्छी करेंगे, है ना, और कभी आलसी नहीं बनेंगे। तो इसलिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि हमें कैसा भ्रमण, प्रातःकाल भ्रमण करना चाहिए, थोड़ी देर व्यायाम करना चाहिए जिससे हम पूरे दिन स्वस्थ ताजगी से भरे हों। ठीक है, तो आपको मैंने प्रातःकाल के भ्रमण के बारे में बताया। अब जो है आपको मैं इसके क्वेश्चन से बताती हूँ। पहले ये शब्दार्थ देखो, आपको चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा कि किस प्रकार जो है प्रातःकाल के भ्रमण करने से हमें कितने सारे लाभ होते हैं। नंगे पैर ओस की बूंदों पर चलने से हमारे जो है हमारे जो आँखों की रोशनी बढ़ती है बच्चों, है ना। आप देखते हो छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मे लगे हुए हैं, पहले समय में बूढ़े लोगों को भी चश्मे नहीं होते थे, लेकिन अब छोटे छोटे बच्चों को भी जो है चश्मे लगे होते हैं क्योंकि उनकी आँखों की रोशनी कम होती है। तो ये सब इस कारण होता है कि हमारे शरीर में जो है शुद्ध हवा ताजगी भरी है ना नहीं होती है, इसलिए जो है हमारे शरीर में बीमारियां फैलती है। इसलिए बच्चों ऐसे नहीं कि आप जो हाँ भाई चलो सुबह ही भ्रमण, हमें अगर अभी अभी जब हम कोरोना के समय में हमको जो है अगर प्रातःकाल का भ्रमण करें तो अपने बड़े के साथ जाएं और जो मास्क लगा कर। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको इसके शब्दार्थ बताती हूँ। देखिए प्रातःकाल यानी सुबह का समय, ठीक है, आवश्यक यानी जरूरी, प्रसन्न यानी खुशी, सरल यानी आसान, संचार यानी बहना, नेत्र आंखें, विद्यार्थी यानी छात्र, शुद्ध ताजा, भ्रमण घूमना, व्यायाम कसरत, लाभदायक फायदे, स्फूर्ति यानी ताजगी। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और आप बच्चों बुक भी परचेज करिए, आपके टेस्ट वगैरह भी होंगे इसलिए आपको बुक परचेज करना बहुत ज़रूरी है। बुक से आप चैप्टर रीड करोगे, छोटे छोटे क्वेश्चन भी देखोगे, ये सारा बुक में है, तो इसलिए आपको बुक परचेज करनी चाहिए, है ना, ताकि आप और अच्छे से पढ़ सको। बच्चों अब इसमें क्वेश्चन आंसर है, मैं आपको जो है ये व्हाट्सएप पर सेंड करूँगी, पर ये वाले जो है मैं आपको बताती हूँ, फिर मैं इसको आपको बताऊँ। देखो इसमें जो है पहला नीचे लिखे प्रश्न को उत्तर दो, मनुष्य के शरीर का स्वस्थता, ये सारे मैं आपको जो है ये व्हाट्सएप पे सेंड करूँगी। एक क्वेश्चन ये छोटा जो खाली स्थान जो मैं बता रही हूँ आपको, बच्चों जो बुक के क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको बुक में करना है। बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए, ये बॉक्स दिया गया है, इसमें शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से ही इन में भरने हैं वाक्यों में, खाली स्थान पूरे करने हैं। पहला है स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यकता होती है, तो स्वस्थ शरीर के लिए काय की आवश्यकता होती है बच्चों, व्यायाम, तो पहले खाली स्थान में क्या भरेंगे, व्यायाम। दूसरा है व्यायाम से शरीर में आती है, तो व्यायाम से शरीर में स्फूर्ति आती है, तो दूसरे खाली स्थान में स्फूर्ति भरेंगे। तीसरा खाली स्थान है कि दो जगह है, दो ब्लैंक है इसमें, एक में प्रातःकाल आएगा और दूसरा आएगा बगीचा, तो प्रातःकाल के समय भ्रमण के लिए बगीचा उपयुक्त होता है, तो इसमें दो खाली स्थान है। गह वाला है भ्रमण करने से प्रसन्न रहती है, क्या भ्रमण करने से आत्मा प्रसन्न रहती है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गए बॉक्स वाले खाली स्थान। अब हम जो है सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान, तो मैं आपको समझाती हूँ कि मनुष्य शरीर का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है, ये सही आ गया गलत, तो सही आएगा इसमें, भ्रमण से मन प्रसन्न नहीं रहता,
बच्चों ब्रह्मांड से मन प्रसन्न रहता है ना तो इधर क्रॉस आएगा, इन्होंने लिखा नहीं रहता तो ये क्रॉस वाक्य है, गलत वाक्य लिखा है। ब्रह्मांड करने से मनुष्य की आत्मा प्रसन्न रहती है, ब्रह्मांड करने से मनुष्य की आत्मा प्रसन्न रहती है, राइट आएगा। ओस की बूंदों पर चलने से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, सही है, ये राइट आएगा। रोगी मनुष्य का भ्रमण करना ठीक नहीं है, ये गलत वाक्य है। रोगी मनुष्य का भ्रमण करना ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा है ठीक नहीं है, तो ये वाक्य गलत है, इसलिए हम क्रॉस का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो मैं आपको बाकी के शब्द, ये जो क्वेश्चन आंसर है और सारा कुछ नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। अभी आपको ये शब्दार्थ करने हैं, चैप्टर को समझना है, लर्न करना है, ठीक है, और अच्छे अच्छे बच्चे बनने हैं, अच्छी अच्छी पढ़ाई करनी है, ठीक है। ओके, थैंक यू, खुश रहिए।